आज ऐसा समय आ गया है कि व्यापार के हर क्षेत्रों में निरंतर नए स्टार्टअप हो रहे हैं। हमारे देश के युवा खेतीबाड़ी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग व एजुकेशन इत्यादि के स्टार्टअप करके एक अच्छे व्यापार को चला रहे हैं। इस तरह कॉफी इंडस्ट्री में भी कई स्टार्टअप ने आज एक ब्रांड के तौर पर रूप ले लिया है, जैसे स्टारबक्स, बिरिस्ता और कॉफी कैफे डे। इन सभी ने ब्रू कॉफी के कॉन्सेप्ट को मार्केट में फैलाया और ये सभी आज एक बड़े ब्रांड का रूप ले चुके हैं। हेलो फ्रेंड, उपस्थित हूं आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज कॉफी पीने का हर कोई दीवाना है। नौजवानों में कॉफी पीने की दीवानगी को देखकर कॉफी मार्केट के क्षेत्र में सेवन बीन्स और फ्रेश ब्रू जैसे स्टार्टअप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धीरे धीरे सभी के बीच में भारत में चाय की तरह कॉफी भी सभी की पसंद बनती जा रही है और आज के समय को देखकर कॉफी के नए नए फॉर्मेट और फ्लेवर हमारे बीच नए नए स्टार्टअप के साथ आ रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले तीन युवाओं ने सही समय देखकर अपना बिजनेस करने का निश्चय किया। दिल्ली के तीनों दोस्तों असरजीत सिंह, अजीत थांदी और अरमान सूद ने अपनी पढ़ाई के दौरान अच्छी कॉफी न मिलने की परेशानी को महसूस करते हुए अपना खुद का कॉफी हाउस स्टार्ट करने का विचार किया। इसी परेशानी की वजह से उन्हें अपने बिजनेस स्टार्टअप करने का आइडिया मिल गया। टीन एजर्स के लिए बेस्ट कॉफी न मिलने की समस्या को सोल्व करते हुए इन्होंने सन 2016 में कॉफी स्टार्टअप को हकीकत में बदल दिया और इसलिए पाउल के नाम से अपने कॉफी स्टार्टअप की शुरुआत की। इनके द्वारा कॉफी के नए फ्लेवर और नए ट्विस्ट के साथ सभी के सामने प्रेजेंट किया गया। इस स्टार्टअप के द्वारा वह कॉफी को इज टू मेक और इज टू ड्रिंक बेवरेज बनाने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि इनकी कंपनी पिछले 2 वर्षों में 100% ग्रो कर रही है। एक तरफ जहां भारत में सब लोगों को पसंदीदा चाय है तो दूसरी तरफ कॉफी भी युवाओं की पसंदीदा बेवरेज बन रही है। ऐसे में नए फ्लेवर और कॉन्सेप्ट लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले अश्वजीत सिंह, अजीत थांदी और अरमान सूद ने अपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए अपनी पर्सनल सेविंग और पेरेंट्स के हेल्प लेकर 12 लाख रुपए में स्लिप आउल का स्टार्टअप किया। जल्दी उनके बिजनेस की तरक्की को देखकर उन्हें डीएसडी पार्टनर की तरफ से 3.5 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई, जिससे उनके बिजनेस की ग्रोथ रेट काफी ऊपर हो गई। इस फंडिंग की पूंजी को कंपनी के द्वारा बिजनेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट पहुंचाने में लगा दिया। आज उनकी कंपनी स्लिप आउल कॉफी हाल ही में 25,000 से अधिक ग्राहकों के बीच में पहुंच चुकी है। कुछ सालों में इनकी कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड 100% तक पहुंच चुका है। वो जल्द 2 सालों के अंदर ही अपने बिजनेस में मौजूद 100 रिटेल स्टोरों को बढ़ाकर 1,000 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। कॉफी का मुख्य उत्पादन भारत के मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहां कॉफी का कुल उत्पादन 8,200 टन होता है, जहां 53% कर्नाटक राज्य से, 28% केरल से और 11% तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न की जाती है। दुनिया भर में भारत की कॉफी सबसे अधिक गुणवत्ता वाली और बेहतरीन कॉफी मानी जाती है, क्योंकि भारत में मिलने वाली कॉफी को छाया में उगाया जाता है जबकि अन्य जगहों पर मिलने वाली कॉफी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है। भारत में रहने वाले 2.5 लाख लोग कॉफी उत्पादन करते हैं, जिसमें से 98% छोटे उत्पादक हैं। आज के एक दशक पहले भारत में कॉफी का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 4.5% था, परंतु आज यह काफी बढ़ गया है। भारत में उगाई जाने वाली कॉफी का 80% हिस्सा आज निर्यात होता है, जिसमें 70% हिस्सा केवल जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूएसए, जापान, बेल्जियम, स्लोवेनिया और नीदरलैंड में निर्यात होता है। भारत में मिलने वाली कॉफी को भारतीय मानसून कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में मिलने वाली कॉफी के मुकाबले भारत की कॉफी का स्वाद काफी बेहतर होता है। तीनों दोस्तों ने अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए फ्लेवर से लेकर मैनेजमेंट तक में बदलाव किया ताकि लोग इसे पसंद कर सके। वह अपने सभी ब्रांड को मार्केट में यूनिक ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं। तीनों दोस्तों ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत दिल्ली से ही की, क्योंकि आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि देश का पहला कॉफी हाउस 27 अक्टूबर 1957 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया, जिस वजह से उन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत दिल्ली से की। भारतीय कॉफी हाउस की श्रृंखला का धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार हो रहा है। सन 1958 के आखिरी महीने तक थ्रिसूर, पांडिचेरी, नागपुर, जबलपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, तेलीचेरी, पुणे, मुंबई और कोलकाता में भी इनकी कई ब्रांचें खोली जा चुकी है। देश में इन कॉफी हाउस को 13 सरकारी समितियों द्वारा चलाया जाता है, जिसे उन प्रबंधक समितियों द्वारा चलाया जाता है जिनका नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। कॉफी के प्रति लोगों की दीवानगी इस प्रकार है कि वह बिना देखे ही पीकर बता देते हैं कि वह किस ब्रांड की कॉफी है। सीवेट कॉफी के नाम से मशहूर दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कॉफी का निर्माण बिल्ली की पोटी से होता है। सीवेट कॉफी का स्वाद जितना लाजवाब होता है उससे कहीं अधिक इसकी कीमत भी होती है। इस कॉफी को बनाने में लंबा प्रोसेस होता है, जिस वजह से इसकी कीमत काफी महंगी होती है। इन कॉफी के लिए कई लेवल के फिल्टर प्लांट होते हैं जो इस कॉफी के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब तक यह कॉफी सुमात्रा के इंडोनेशिया में काफी प्रचलित थी, परंतु अब यह कॉफी भारत में भी मिलने लगी है। इस कॉफी के एक कप की कीमत लगभग 11,000 रुपए होती है। यह कॉफी भारत में 8,000 से 15,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है, जबकि अन्य खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में इसकी कीमत प्रति किलोग्राम 25,000 से 35,000 रुपए है। हाल ही में कर्नाटक में सीवेट कॉफी का स्टार्टअप सीसीए नाम से शुरू हुआ है और इस स्टार्टअप के द्वारा इस कॉफी को उन्होंने एनीमैन के नाम से बेचना शुरू किया है।
अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि भारत में चाय नहीं कॉफ़ी का भी काफ़ी क्रेज है। स्टार्टअप आइडिया के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती, बस आपके आसपास की कमी को महसूस करें और उसे स्टार्टअप के रूप में प्रेजेंट करें। तीनों दोस्तों ने अच्छी कॉफ़ी की जरूरत को महसूस कर उसका स्टार्टअप शुरू किया और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताएं। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।